वेलकम दोस्तों। तो आज से हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। अपना एक फर्स्ट टेस्ट केस लिखेंगे हम ओनली जेस्ट यूज़ करके। एनजीएम को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि पहले आपको जेस्ट पता चल जाए जेस्ट कैसे यूज हो रहा है। तो देखो, आपके सिस्टम में अगर जेस्ट नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लो। वैसे आप जब भी नया प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो अभी रिएक्ट में, तो आप पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल में जाओगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको ये भाई है पहले से इसमें, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप लिखोगे npm run test या npm test, तो ये हमारे टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे। टेस्ट केसेस कैसे पता चलेंगे कि कौन कौन सी फाइलों में लिखे हुए हैं, उन सब में डॉट टेस्ट करके जो एक्सटेंशन है वो होगी कि ऐप डॉट टेक्स्ट लिखना है आपको, उसके बाद डॉट gs, ठीक है, gsa या tsa जो भी है। और उसमें फिर एक फाइल हो रही है आपकी सेटअप टेस्ट डॉट gs। तो देखो ये वाली फाइल कैसे यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, अभी हम अपनी लाइब्रेरी के जो कन्फिग चीज़ें होती हैं ना वो सेट करते हैं। तो अभी मैं लाइब्रेरी को यूज़ नहीं कर रहा, अभी ओनली जेस पे फोकस करते हैं। इसको मैं बाद में बताऊंगा, मतलब जब हम सेटअप करेंगे एंजाइम का, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। बाकी देखो फर्स्ट टेस्ट केस लिख रहे हैं, तो एक काम करते हैं यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ मैं बना लेता हूँ, नॉर्मली आपने देखा होगा उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में सम नाम का बना हुआ था एक, ठीक है। तो उसी नाम का मैं बना लेता हूँ सम डॉट जी एस, सबसे छोटा सा एग्जांपल। और एक और फाइल बनाते हैं जिसके टेस्ट केसेस लिखेंगे हम, इसमें सम डॉट टेस्ट डॉट जी एस। एक फाइल बनाइए जिसमें हम छोटा सा फंक्शन बनाएंगे, दूसरी फाइल बनाइए जिसमें हम अपने टेस्ट केस लिखेंगे। अब यहाँ पर मान लो मैंने एक छोटा फंक्शन बनाया सम, इसमें कोई दो पैरामीटर हमें देता है ए कोमा बी, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा उसका ए को सम करके बी में, मतलब किसी ने 10 डाल दे और 5 डाल दे तो आउटपुट आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें टेस्ट केस लिखने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले इस फाइल को मैं रिक्वायर कर लूँगा। मैं देखो इस फाइल को रिक्वायर करने से पहले एक अपना फर्स्ट लिखते हैं नॉर्मल कि टेस्ट, उसके बाद इसका नाम, इसका नाम लिख देते हैं कि माई फर्स्ट टेस्ट केस। दूसरा पैरामीटर फंक्शन, इसमें हम बताएंगे इसको कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लो कोई एक डेटा है लेट डेटा इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो ये डेटा है इसकी जो वैल्यू है 2b क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ npm टेस्ट। अब यहाँ मेरे से पूछेगा ये कि इसने पूछा नहीं, अच्छा। तो देखो इसमें होता है अगर आपको ऑल केसेस रन करने हैं तो आप ए दबा दो, तो आपके जितने भी टेस्ट केसेस हैं जैसे कि ऐप डॉट टेस्ट सम डॉट टेस्ट, तो सारे इसने रन कर दिए। लेकिन अगर आपको कोई सिंगल करना है तो उसके लिए लिख दो सिंपल ओ, ओनली जो जिस पर अभी हमने काम करा उसी को टेस्ट करेगा वो। तो ये देखो इसने कर दिया सम डॉट टेस्ट जी एस, यहाँ पर लिखा भी आ गया कि माई फर्स्ट टेस्ट केस। और यहाँ पर जैसे डेटा की वैल्यू अगर हमारी 10 की जगह मैं उसको कर देता 12, इसको सेव करता। अब चेक करते हैं इसको, इसने बता दिया गलत कि इसने जो है एक्सपेक्ट करा था, ये एक्सपेक्ट कर रहा है 10 लेकिन रिसीव हो रही है 12, जबकि 10 ही आनी चाहिए थी मतलब, ठीक है। तो ये चीज़ गलत होगी यहाँ पर, तो ये हो गया इसका नॉर्मल। अब एक और चीज़ आती है कि कहीं कहीं आप देखते हो गए एग्जाम्पल में कहीं पे टेस्ट लिख रहा होता है कहीं पे हिट लिख रहा होता है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि इट इज एन एलियास ऑफ टेस्ट, बस ये एलियास है, आप इट यूज़ करो टेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जब ये एलियास बना रखा है तो इट यूज़ करो ना, छोटा सा टेस्ट 4 वर्ड का है मतलब 4 करेक्टर का है, इट 2 करेक्टर का, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी अगर मैं लिखूँगा कि माई सेकेंड टेस्ट, और यहाँ पर कि लेट डेटा इक्वल टू 13, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो डेटा है वो 2b, थर्टीन होना चाहिए। इसको मैंने सेव करा,
अच्छा पहला वाला भी गलत है तो उसको भी मैं सही कर देता हूँ, ये 10 कर दिया। तो देखो टेस्ट केसेस दो थे, दोनों पास हो गए, टोटल दो थे और दोनों पास हो गए, ठीक है। और टेस्ट सूट वन था, मतलब एक को ही कर रहे हैं हम अभी, इसमें टाइम इतना लगा। अब आते हैं इसमें अपने फंक्शन को टेस्ट करते हैं, इनको कर देता हूँ मैं यहाँ पर कमेंट। अब मैं अपनी फाइल को कॉल करवाता हूँ, कॉन्स्टेंट सम इक्वल टू रिक्वायर सम, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ कि जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिस्क्राइब, कि इसके अंदर जैसे कि ये मान लो कि ये वाला हो गया हमारा, ये जो टेस्ट केसेस है ये हमारा एक तरह से होम पेजेस के लिए हो गया, या कोई अपडेट की फंक्शनैलिटी है या जो भी है, तो अपडेट की फंक्शनैलिटी के लिए हो गया, अपडेट होम पेज ऐसा नाम रख दिया मैंने इसका। दूसरा फंक्शन, अब यहाँ अपने सारे टेस्ट केसेस को लिख सकते हैं इट यूज़ करके, टेस्ट यूज़ करके, जैसे मैं करता हूँ ये वाला। अब यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ये सम है, सम एक फंक्शन है, इसमें मैं पास करता हूँ पैरामीटर कि 1, 2, तो मैं अगर इस फंक्शन में 1, 2 पास करूँगा तो यहाँ से मेरे को ये रिटर्न करेगा, अभी तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करवाया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा मेरे को प्लस करके, मतलब 3 करेगा, तो मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो ये आ गया अपडेट होम पेज और यहाँ पर आ गया 3, ठीक है। इसके अंदर भी आप चाहो तो डिस्क्राइब लिख सकते हो, और कि यहाँ पर और मैं लिख देता हूँ डिस्क्राइब, और इसको यहाँ बंद कर दिया मैंने। अब इसके अंदर 3-4 टेस्ट केसेस मैंने लिख दिए, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। सब मैं सेम ही कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तो ये देखो पहले अपडेट हुआ, अपडेट होम पेज, उसके अंदर ये वाला टेस्ट रन हुआ कि इस तरह सिंगल रन हो गया। उसके बाद फिर एक और डिस्क्राइब था, उसमें मैंने सिंपल सेम नाम लिख रखा था अपडेट होम पेज, उसके अंदर ये 3 थे तो तीनों में उसने बता दिया सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये भाई पास है तुम्हारे, ठीक है। अब आते हैं कि मान लो आपने 2 भी इक्वल होने चाहिए, इसमें आप एक और चेक कर सकते हो कि जो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए, मतलब नॉट 2B3। अब चेक करते हैं इसको, इसने बोल दिया कि नहीं ये एरर आ रहा है, वो 3 के इक्वल है, तो मैं चेक करता हूँ 4 कि 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसने पास कर दिया कि हाँ भाई 4 के इक्वल नहीं है, तो हम इसको पास कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसमें, अब इसको मैं कर देता हूँ एक बार के लिए पूरा कमेंट इतना, ठीक है। और अब वापस से कॉपी करता हूँ यहाँ से डिस्क्राइब को और बंद कर देते हैं इसको। अब इसके अंदर मैं एक टेस्ट लिखता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो फंक्शन अभी रिटर्न कर रहा है, मान लो वो ऑब्जेक्ट होता, नंबर नहीं होता, सिंपल ऑब्जेक्ट चेक, तो उस चीज़ को हम कैसे टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए मान लो ये वाला हो गया लेट डेटा इक्वल टू सम 1, 2, और जो ये हमारा फंक्शन है इससे मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ मैं सम, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ ऑब्जेक्ट रिटर्न, जिसमें मैं लिख देता हूँ कि नेम कोड है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आने वाला है। अब भाई इसको टेस्ट करो, तो इसको टेस्ट करेंगे हम कि भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट आएगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इक्वल होना चाहिए, यहाँ ये मैंने लिख दिया डेटा कि डॉट टू इक्वल, जो मेरा डेटा है इक्वल होना चाहिए किसके, अब वो ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा कि नेम इक्वल टू कोड, ये होना चाहिए इसमें। टेस्ट केस करते हैं, इसमें पास कर दिया। अगर मान लो मैं यहाँ पर करता कि नहीं कोड नहीं, कोड्स होता, इसको सेव करता हूँ मैं,
तो एरर दे दिया इसने कि ये कि भाई आप बता रहे हो कि कोड्स आना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ पे कोड है तो ये हम एरर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ये एरर यहाँ पे दे दिया। तो अब पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है या वैल्यू आ रही है तो उसको नॉर्मली ऐसे चेक कर सकते हो आप, इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक है, और अपने यहाँ पे ये जैसे कि टेस्ट केस रन हुआ था हमारा, ये अपडेट होम पेज मतलब पूरा मैसेज दे सकते हो कि ये किसके लिए है, उसके अंदर कौन कौन से केस चेक करने हैं कि इक्वल नहीं होना चाहिए, जैसे ऑब्जेक्ट चेक नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, तो ये सारे टेस्ट केस आप यहाँ पे सूट लिख दो। ठीक है, तो ये तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीका। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे एंजाइम को, फिर उसके बाद हम देखेंगे मतलब कि सेलो रेंडरिंग, डीप सेलो रेंडरिंग माउंट, मतलब आप एच ओ सी कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं कि अंदर जाके उनकी फंक्शनलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।